नमस्कार, मैं मुस्कान मेरू रिंग के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खराब मुकद्दर पर शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अपने सर को दीवार पर मारने से भी कुछ नहीं होगा। अगर मेरू रिंग पहने हूँ अपनी उंगली में तो सुनामी भी आ जाए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं देश के मशहूर कलाकार और महान ज्योतिषी राज तिलक जी। राज जी, आप तो एक मशहूर कलाकार हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने फिल्म लाइन की बहुत सी महान हस्तियों की भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। खास तौर 90s के एक बहुत ही बड़े मशहूर हीरो मेरे खास दोस्त रहे हैं और मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी लेते रहे। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस मेरू रिंग को कछुए का आकार क्यों दिया गया? जी देखिए, मेरू कछुए का ही एक नाम है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार ही है कछुआ। क्षीर सागर में जब अमृत मंथन हुआ था तो डोलते हुए मंदार पर्वत को सहायता देने भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। उसी समय सागर से लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई थी और उनके साथ भगवान विष्णु का विवाह हुआ था, इसलिए मेरू रिंग को कछुए का आकार दिया गया है। और ये रिंग नहीं है, ये साक्षात विष्णु आपके साथ हैं। इस मेरू रिंग को अपनी उंगली में पहन ले तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 9 अवतार लिए थे और 10वां अभी कलयुग में लेना बाकी है। उन 9 अवतारों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भाग्यशाली अवतार जो है कच्छप का है, यानी कछुए का स्वरूप। अगर ये कछुए का स्वरूप आपके पास है तो स्वयं भगवान विष्णु आपके पास है। सर, ये तो समझ में आ गया कि इस मेरू रिंग को पहन लेने से दुख परेशानी और सारी समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन क्या इसको पहनने से मनुष्य की आयु लंबी होगी या नहीं, धन प्राप्त होगा कि नहीं और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं? जी, आयु बिल्कुल लंबी होगी। देखिए, धन प्राप्ति के लिए हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो भगवान विष्णु की ही पत्नी है, तो यूं कहिए कि हम भगवान विष्णु को ही याद करते हैं। इस मेरू रिंग के माध्यम से माँ लक्ष्मी हमें आशीर्वाद देती है जिससे हमें धन प्राप्त होता है। इस अंगूठी को पहनते ही आपके चारों ओर एक आभा मंडल यानी एक औरा सा बन जाएगा जो सौभाग्य को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन परेशानी दुख तकलीफ वगैरह सारे दुर्भाग्य को आपकी तरफ आने से बिल्कुल रोक देगा। इसीलिए हमने वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करके ये अंगूठी बनवाई है। 11 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण से सिद्ध की हुई ये मेरू रिंग मात्र एक अंगूठी ही नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी आपके साथ हैं मेरू रिंग के रूप में। सर, ऐसे लोगों को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिनको मेरू रिंग पहनने के बाद सच में फायदा हुआ है। शेयर मार्केट का अच्छा खासा बिजनेस था मेरा, मार्केट में नाम था, इज्जत थी, शोहरत रुतबा था। एक नई कंपनी के शेयर्स खरीदे और कुछ दिनों में कंपनी का दिवाला निकल गया। बस सुसाइड का ख्याल मेरे दिमाग में आया और जैसे ही मैं सुसाइड करने निकल गया तभी माझा एक जुना मित्र मला भेटला जिसने मुझे मेरू अंगूठी के बारे में बताया और जिस दिन मैंने ये अंगूठी पहनी मानो मेरा भाग्य ही बदल गया। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया और एक मुर्दा पड़ा हुआ चेयर था जिसके तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, अलमारी के किसी कोने में उसे रख दिया। आज वही शेयर मार्केट में बढ़ गया, कैसे बढ़ा मैं नहीं जानता लेकिन सब कुछ इस अंगूठी का प्रताप। मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी लाड प्यार से पाला था मगर कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा था और जो भी रिश्ता आता वो ढंग का नहीं होता, उसी के चलते मेरे माता पिता बहुत ही परेशान थी। फिर एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे लकी मेरू रिंग को मंगवाने की सलाह दी। मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें काम क्यों नहीं करती, जैसे मैंने ये मेरू रिंग पहनी है तुम भी पहन लो। कहाँ से? सोगो टेली शॉपिंग में फोन करो, वहाँ से तुम्हें मेरू रिंग आ जाएगी। पक्का इससे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे मेरे? 100%। पक्का शादी हो जाएगी? हाँ।
11 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण से सिद्ध की हुई ये मेरु रिंग मात्र एक अंगूठी ही नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी आपके साथ हैं मेरु रिंग के रूप में। गजब है, जो लड़का 3 साल से लगातार फेल हो रहा है वो अचानक पास हो गया, वो भी अव्वल नंबर से। वाह यार, ये शायद ना ये इस मेरु रिंग का कमाल है। हाँ, जब से पिताजी ने मुझे ये मेरु रिंग पहनाई है ना, जिंदगी बदल गई है मेरी। अगर मेहनत करके उसका फल नहीं मिल रहा हो तो, अगर कारोबार में घाटा हो रहा हो तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अभी फोन उठाइए और नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर फोन करिए, मेरु रिंग मंगवाइए और अपनी उंगली में पहन के देखिए, देखिए कैसे आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। इसे साधारण अंगूठी मत समझिए, समझ लो कि ये अंगूठी हर खजाने की चाबी है। अच्छा सर, ये बताइए कि इसकी पहनने की विधि क्या है। देखिए, इसका संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है और माता लक्ष्मी से हमें धन प्राप्ति होती है, इसलिए इसे उन्हीं के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। और हमारे इस हाथ की मध्यमा उंगली सबसे बड़ी उंगली है, वही धारण करना चाहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि मेरु यानी कि कछुए का मुंह हाथ की तरफ ही रहना चाहिए, तभी इसका पूर्ण असर होगा। अपनी तकदीर, अपनी किस्मत अपने आप लिखिए। अगर मंत्रों द्वारा सिद्ध की गई अंगूठी आपने पहन ली तो समझ लीजिए आप अपना भाग्य, अपनी किस्मत अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए अभी फोन उठाइए, मेरु रिंग मंगवाइए और अपना भाग्य सवारिए। सोया हुआ भाग्य जगाए, रुके हुए काम बनाए, ये मेरु रिंग जिसकी कीमत है मात्र 890 रुपए। इतना ही नहीं, एक अंगूठी के साथ एक अंगूठी बिल्कुल फ्री। फिर सोच क्या रहे हैं, अभी अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर अपना ऑर्डर बुक करें। मेरु रिंग